हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम सेल इनवॉइस किस प्रकार से तैयार करते हैं, और जो हमने सेल इनवॉइस तैयार करते हैं उस सेल इनवॉइस का हमारे कस्टमर को उसका प्रिंट आउट हम किस प्रकार से देते हैं अलग अलग टाइप के फॉर्मेट में। तो ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम बिजनेस के रियल वाउचर के साथ सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर टेली सीखने वाले स्टूडेंट लोगों के लिए। हमें पता होना चाहिए कि जब हम सेल इनवॉइस तैयार कर रहे होते हैं तो हमें सेल इनवॉइस से रिलेटेड कौन कौन से टेली सॉफ्टवेयर के अंदर सेटिंग है जो करनी होती है, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारा सेल इन जो बातें हैं वो सेल इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके आना जरूरी है, तभी हमारा जो सेल इनवॉइस है वो प्रॉपर कंप्लीट माना जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना आगे इसी टाइप की और नई नई वीडियो को देखने के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो दोस्तों, हमारे सामने टेली सॉफ्टवेयर ओपन है और हम सेल वाउचर की एंट्री करते हैं। हमें किसी भी टाइप की अगर ट्रांजेक्शन वाउचर एंट्री हमें करनी होती है, चाहे परचेज हो, सेल हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, कोई भी हो, तो हम वाउचर्स को सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में हमारे सामने यहाँ पर वाउचर से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कमांड भी आती है। हालांकि हमारे सामने ये सेल वाउचर ओपन है, अगर हमारा ये सेल वाउचर की अदर की दिखा होता तो ये यहाँ पर हाईलाइट हो जाता। इस तरीके से हम F8 सेलेक्ट करेंगे और सेल वाउचर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम सेल करेंगे तो सबसे मेरा हमारा जो कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा इस ऑप्शन पर, और यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, इनवॉइस का नंबर, और ये है हमारे पास में एक इनवॉइस का फॉर्मेट। अब आपके पास इनवॉइस का फॉर्मेट कुछ अलग टाइप का हो सकता है, मैनुअल भी हो सकता है, या कोई पेपर के ऊपर आपको कुछ स्टॉक आइटम कुछ इस प्रकार से इनवॉइस का नंबर लिख के दे दिया जाए, आप हमें एंट्री करके बताओ। तो आपको एक बात का ध्यान में रखना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर वाउचर नंबर लिखना है। अब ये जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, अब हो सकता है आपके जब टेली सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो यहाँ पर 1 आए ऑटोमेटिक, और यहाँ पर आपका कर्सर आ ही नहीं रहा होगा, डायरेक्ट सीधा वो डेट के ऊपर जंप मारा होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर करना क्या होगा, इस ऑप्शन को हटाना पड़ेगा, 1, 2, 3 जो ऑटोमेटिक आ रहा है उसको ऑटोमेटिक की बजाय हमें मैनुअल करना पड़ेगा। अब मैनुअल हम किस प्रकार से करते हैं, वाउचर हम गेटवे ऑफ टेली पे जाएंगे, एल्टर पे हम जाएंगे, वाउचर टाइप को आपको सेलेक्ट करना है, वाउचर टाइप हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है सेल वाउचर को, क्योंकि हमें सेल की कॉन्फिगरेशन सेट करनी है। तो जैसे हम करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है, डिफॉल्ट आ जाएगा। अब मैंने जो सीरीज करने वो डिफॉल्ट दे रखा है, और यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, अब मैंने यहाँ पर मैनुअल कर रखे, आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिक होगा तभी वो 1, 2, 3 चलेगा। हम चाहते हैं भी हमारा जो इनवॉइस नंबर है वो हमें मैनुअल लिखना है, तो हमें इसको मैनुअल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने मैनुअल सेलेक्ट कर दिया, तो वापस हम बैक आ जाएंगे, वापस हम वाउचर पे चलेंगे। तो जैसे करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। ये किस कंडीशन में होगा, ये तब कंडीशन होगा भी अगर आपके कोई एजेंट इंटरव्यू के दौरान आपको वो इनवॉइस नंबर दे दिया जाए, या ऐसी कोई कंपनी हो जो अपना एक मैनुअल की जो बिलबुक की सीरीज है वो चलती हो, और वहां पर उसी का इनवॉइस का जो नंबर है वो हमें टेली के अंदर भी लिखना पड़ेगा, यानी कि मैनुअल बिलबुक और हमारी कंप्यूटर एड बिलबुक वो दोनों की जो सीरीज है नंबर की वो सेम होनी चाहिए, तब इस कंडीशन के अंदर हमें वहां पर मैनुअल करने की जरूरत होती है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये जो इनवॉइस नंबर है, अब ये इनवॉइस नंबर हमारे पास में STC001। तो आपको एक बात का ध्यान में रखना है भी अब आप जब भी इस टाइप की एंट्री करोगे तो ये जरूरी नहीं है भी आप ये जो इनवॉइस देख रहे हो इसके अंदर इनवॉइस जो नंबर है वो इनवॉइस नंबर यहाँ है। अब आपके पास जो इनवॉइस होगा, जो इनवॉइस आपको दिया जाएगा, जरूरी नहीं है भी इनवॉइस नंबर यहीं पर मिले आपको, आपको कहीं और भी देखना पड़ेगा, इस साइड में हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान में रखना है भी वहां पर आपको इनवॉइस नंबर ये वर्डिंग लिखी भी ढूंढनी है इनवॉइस नंबर की। अब जरूरी नहीं है भी इनवॉइस नंबर है तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे कोई नीचे लिखा हुआ, इसके सामने भी लिखा हो सकता है। ठीक है ना, आपको इस बात का थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इनवॉइस नंबर वाला जो जो लिखा होता है इस चीज को आपको ढूंढना है भी इनवॉइस नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है। अब इनवॉइस नंबर हमारे पास यहाँ पर है STC001, मैं इसको एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये STC001 है, अब हमें इस टेली सॉफ्टवेयर के अंदर STC001 यहाँ पर लिखना है, तो मैं STC001 यहाँ पर लिखूंगा।
एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर जाएगा डेट पे, और हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ देखते हो 2 अगस्त 2022 की डेट है। डेट आपके पास कोई भी हो सकती है, लेकिन आपको वही डेट डालनी है जो इनवॉइस के ऊपर लिखी गई है, ठीक है ना। अब उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी कंपनी की जो करंट पीरियड है वो सिलेक्ट करना होगा। मैं लेकिन आज की यहाँ पर डेट डाल रहा हूँ, मैं आज हमारे डेट होगी 18 मार्च 2024, मैंने 18/3 लिखा, 18 मार्च 2024 ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि मेरा फाइनेंस ईयर वो 23/24 का सिलेक्ट है। उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पर आपको पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अब पार्टी अकाउंट नेम में से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से कस्टमर को हमने सेल किया हुआ, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो आपके पास में दो नाम आ रहे हैं। दो नाम कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी का नाम आ रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे एक तो स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी का नाम भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पर एक आपको ये सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का नाम भी दिख रहा है। अब भी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें सेल करना किसको है। तो आप एक बात में आपको ध्यान रखना है, अगर ये आप सेल इनवॉइस अगर आपको समझते हो ना कि ये सेल इनवॉइस है, तो जो हमेशा सेलर होगा उसका नाम यहाँ पर हमेशा हेडिंग में रहेगा, यानी कि हमारी हेडिंग के अंदर नाम क्या आ रहा है, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी का। अगर हम टेली सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो हमारे टेली सॉफ्टवेयर के अंदर भी स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है, यानी कि ये कंपनी हमारे नाम से ही ऑलरेडी ओपन है। तो अब हमें जो इनवॉइस जो बनाना पड़ेगा ना, वो बनाना पड़ेगा सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, यानी कि ये हमारा कस्टमर है, इस नाम से हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम टेली सॉफ्टवेयर में चलेंगे, तो अब जैसे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे सुरेश ट्रेडिंग कंपनी का लेजर ओपन है, तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ ये लेजर बनेगा कैसे। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास पार्टी अकाउंट नेम के अंदर कोई लेजर यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर आप चाहे तो क्रिएट पे जा सकते हो, या कीबोर्ड से शॉर्टकट एल्ट सी बटन हम प्रेस करेंगे, तो यहाँ आपको नाम देना होगा। चलो मैं एक बार इसको चेंज कर देता हूँ, सुरेश ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। अब ये हमारे लिए कस्टमर है, तो हम इसको रखेंगे सेंट्री डेप्टर्स में, और अगर हमने इनसे परचेज किया होता, माल खरीदा होता, तो हम इसको रखते हैं सैलरी क्रेडिटर में, इसलिए हम सैलरी डेप्टर में से सिलेक्ट करेंगे। आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस को रख लेना है, और यहाँ पर जो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है, यहाँ पर आपको कुछ भी डेट या कोई टाइम वगैरह कुछ नहीं देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने कस्टमर का प्रॉपर एड्रेस देना है, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है ना। प्रॉपर उसका कोई शॉप नंबर है, चाहे उसका कोई भी एड्रेस है एक्स वाई जेड, वो यहाँ पर आपको जरूर देना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट जरूर सेलेक्ट करना है, कंट्री ऑटोमेटिक आ जाएगी, और उस एरिया का जो भी जो हमारा आपका कस्टमर है उसके कस्टमर का पोस्टल कोड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में इसका पैन नंबर, उसके बाद में एमएसएमई की डिटेल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो डिटेल आएगी वो किस टाइप का एमएसएमई है, यहाँ पर उसका सबसे पहले एमएसएमई जो उसके पास है उद्यम नंबर है वो यहाँ पर आपको देना होगा, जो भी आपके पास जो भी होगा उस टाइप का नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद में एमएसएमई उद्यम की टाइप की मीडियम है, माइक्रो या स्मॉल है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप एंड ऑफ रजिस्ट्री कर सकते हो। अगर आपका कस्टमर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपको पूछना पड़ेगा कि आप रजिस्टर्ड हो, या रजिस्टर्ड हो तो किस में हो, रेगुलर में हो या कंपोजिशन में हो। तो आपको ये ऑप्शन अपने जो आपका कस्टमर है उसे एक बार जरूर कंफर्म कर लेना है, क्योंकि ये हमारी जब जीएसटी की रिटर्न हम फाइल करते हैं तो वहां पर ये चीजें दिखते करती है। अगर आपका कस्टमर नॉर्मल है, उसके पास जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो आप इस कंडीशन में अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर आप सिलेक्ट करोगे। अब यहां पर अगर हम इस इनवॉइस में देखें तो यहां पर इसका जीएसटी नंबर है, लेकिन अभी इस जीएसटी नंबर से हमें कैसे पता चलेगा भी ये जो जीएसटी का नंबर है ये कंपोजिशन की स्कीम के अंदर है या फिर रेगुलर में है। तो अगर आप इसके अंदर अभी क्लियर नहीं हो रहे हो तो आप एक बार इसको रेगुलर करके छोड़ सकते हो। अगर आपका इसका कंफर्मेशन आपके पास आ जाते भी कंपोजिशन का है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको नहीं कंफर्म हो रहा तो आप इसको एक बार रेगुलर में जरूर रखना, इसको रेगुलर रखेंगे। और इसके बाद में इसका जो जीएसटी नंबर है, इसको जीएसटी नंबर हम यहां से एक बार कॉपी कर लेंगे, कॉपी मैंने इसको कर लिया, और यहां पर मैं इसको कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट करूंगा। उसके बाद में सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, अगर इस पे आप यस करोगे तो यहाँ पर आपको स्टेट इसका ट्रांसपोर्टर वगैरह है तो ही आपको करना है, अदरवाइज आप इसको नहीं रखोगे। और उसके बाद में ये जो सेट अल्टर एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन डिटेल है, ये हमारा जो टेली सॉफ्टवेयर का जो नया रिलीज लॉन्च हुआ 4.1 उसके अंदर ये चीजें दे दी है, जो अभी हमने यहाँ पर ये जो मेंशन करी थी वो अब आपको यहाँ पर भी डिटेल मिलेगी।
अब उसके अंदर आपका टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस, माइक्रो मीडियम क्या चीज है और उसका उद्यम नंबर वगैरह, एंटर हम प्रेस करेंगे। अब बात आएगी स्टॉक आइटम की डिटेल की। अब हमारे पास जो स्टॉक आइटम्स है ये सारी स्टॉक आइटम है, चार टाइप की स्टॉक आइटम है इसके अंदर। अब आपके पास एक स्टॉक आइटम भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 50 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें वो स्टॉक आइटम भी यहाँ पर क्रिएट करनी होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर उस स्टॉक, सभी स्टॉक आइटम का नाम हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप चाहो तो, अब जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास कॉपी करने का ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपके पास में मैनुअल इनवॉइस होगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके आपको क्रिएट करके बताता हूँ। क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप चाहो तो ऐड सेव बटन प्रेस कर सकते हो या फिर आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो। एंटर प्रेस करेंगे, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया इसका। और उसके बाद में अंडर के अंदर भी क्या रहेगा, ये किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस से रिलेटेड है, वो ग्रुप हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। अब जैसा कि मैं यहाँ सकता हूँ इसके ये कॉस्मेटिक ये प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पे एक कॉस्मेटिक का एक नया ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, कॉस्मेटिक स्टॉक्स, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ भी डिटेल वगैरह सेटिंग करने की जरूरत नहीं है जीएसटी से रिलेटेड। उसके बाद बात आएगी यूनिट्स की। अब इस प्रोडक्ट को आपने किस में सेल करते हो, बॉक्स में, पीस में, किस टाइप के, मैं इसको यहाँ से पीसेस सेलेक्ट करूँगा, अल्टरनेट यूनिट में इसको नो रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जीएसटी एप्लीकेबिलिटी। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगता है या नहीं लगता वो हमें यहाँ से पता चलेगा इनवॉइस में से। अब यहाँ पे इसके आगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जीएसटी 28%, यानी कि जीएसटी लग रहा है, एक बात तय है। इसको हम एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद में एचएसएन कोड इसका क्या है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स के अंदर क्लिक करेंगे और इसका जो एचएसएन कोड इनवॉइस में जो दिया हुआ है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। और उसके बाद में जो जीएसटी के टैक्स रेट है उसको भी हम यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट हमारा टैक्सेबल है और जीएसटी का जो रेट हमारा 28% है। एंटर प्रेस करते हैं, हम इस विंडो को एक्सेप्ट करेंगे और कोई डिटेल देने की एक बार आपको जरूरत नहीं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा क्वांटिटी का। अब यहां आप देख सकते हो इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहा है क्वांटिटी शिफ्ट और बिल्ड का। अब मेरे पास भी एक्चुअल और बिल्ड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास कुछ इस टाइप का ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो आपको मैं एक सेटिंग बताऊंगा, आपको वो करनी पड़ेगी। F11 बटन आपको प्रेस करना है और यहां पर एक ऑप्शन आपके पास आएगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। इस ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा तभी आप इस टाइप की विंडो को ओपन कर पाओगे। अगर हम इस ऑप्शन को नो रखोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का आपको नजर आ रहा होगा। मैं नो करता हूँ, आपके पास कुछ इस तरीके से होगा, एक्चुअल और शिफ्ट की जो डिटेल है वो यहाँ से हट चुकी होगी। तो मैं वापस इसको इनेबल करता हूँ, मैंने इसको यस कर दिया, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद में जो हमारे पास क्वांटिटी है बिल्ड शिफ्ट में भी छे और बिल्ड में भी छे, तो मैं यहाँ पे 6 करूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, और यहाँ पर जो रेट आ रहा है वो बिना, मतलब विदाउट टैक्स आ रहा है, यानी कि इस अमाउंट के अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टैक्स हमारा इनवॉइस के यहाँ पे नीचे लगा हुआ है। तो हमारे को इस ऑप्शन को खाली छोड़ना है और यहाँ पर ये जो टैक्सेबल वैल्यू है 52.34 रुपये, इसको सिलेक्ट करना है। आप देखो 314.04 रुपये और 314.04 रुपये की अमाउंट आ चुकी है। अब ये सेल हमारी 28% की सेल है, तो अब यहाँ पर आपको जीएसटी 28% सेल का भी एक लेजर क्रिएट करना होता है। अब लेजर आपको किस तरीके से क्रिएट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जीएसटी 28% की सेल, ठीक है। अंडर ग्रुप आपका रहेगा यहाँ पे सेल्स काउंट। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे सैलरी, डेबिटर, क्रेडिटर ये दे देते हैं, आपको ये नहीं देना। आपको सेल का जो लेजर बनेगा वो सेल्स अकाउंट के अंदर रहेगा। टाइप ऑफ लेजर मैंने नोट एप्लीकेबल कर दिया। उसके बाद में जीएसटी एप्लीकेबल है क्योंकि ये जो सेल हमारी जीएसटी के, लेकिन यहाँ पर आपको जीएसटी की जो डिटेल है वो नहीं देनी है, वो एज पर कंपनी ग्रुप डाटा है आपको रखना है। और टाइप ऑफ सप्लाई है इसको आपको ध्यान रखना है, इसको गुड्स रखना है। एंटर एंटर प्रेस करते हुए इसको वापस एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में ये जो जीएसटी से रिलेटेड जो डिटेल है, इस जो स्टॉक आइटम पर हमने दी थी उसको आप एंट्री के दौरान भी आप चाहो तो मॉडिफाई इसको आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको करने की जरूरत होती नहीं है। तो इस तरीके से मैं सभी स्टॉक आइटम को यहाँ पर क्रिएट मैं कर लेता हूँ जल्दी से, ताकि हमारा टाइम है जो वेस्टेज ना हो। उसके बाद में 11 पीसेस और यहाँ पर इसका 9.6.09,
और ये भी हमारी 28% की ही सेल है, 28% सेल हमने दे दिया। उसके बाद में जो थर्ड आइटम है हमारे पास में, मैं इसको यहां से कर लेता हूं कॉपी, कॉपी मैंने किया, एल्स ये बटन मैंने प्रेस किया, और उसके बाद में ये भी कॉस्मेटिक स्टॉक्स है, ये भी पीसीस में सेल रहेगा, अल्टरनेट्स मेरा नॉट एप्लीकेबल रहेगा, बिल ऑफ मेंटेनेंस बैच वगैरह ये हमें तब जरूरत पड़ती है अगर हमारे पास में कोई मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट हमें सेल करने हो तो। जीएसटी तो एप्लीकेबल रहेगा, स्पेसिफाई डिटेल के अंदर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और HSN कोड यहाँ पर इसका लिख देंगे, और जीएसटी रेट स्पेसिफाई डिटेल हेयर के अंदर क्लिक करेंगे, टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और जीएसटी रेट हमारा 18% है। तो आप उसको जो आपके पास इनवॉइस में वही हम लिखेंगे, सेम वही 6 स्पीसीज, और यहाँ पर हमारा 27.54 रुपये इसका रेट है, और ये हमारी 18% की सेल है। तो जीएसटी 18% सेल, ये हमारा सेल काउंट में रहेगा। टाइप ऑफ लेजर हमारा नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल इसको हमें यस रखना है। और अब यहाँ पर आपको देखना है इंक्लूडिंग एसेसमेंट, यहाँ आपको जीएसटी नहीं करना है, बहुत सारे गलती कर देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसको जीएसटी कर देते हैं, यहाँ आपको एक बार नॉट एप्लीकेबल रखना है। स्पेसिफाई डिटेल इसको आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, एयर पर कंपनी डाटा रहेगा, और ये टाइप ऑफ सप्लाई है इसको गुड्स रखना है। और इसी तरीके से जो हमारे पास लास्ट जो स्टॉक आइटम बची हुई है इसको भी हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, और इसका जो नाम है 450 अमल हम कर लेते हैं। ये भी कॉस्मेटिक स्टॉक्स पीसीएस में रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, स्पेसिफाई डिटेल के अंदर HSN कोड हमें यहाँ पे लिखना है, और टैक्स स्पेसिफाई डिटेल से टैक्सेबल रहेगा, और इसी के ऊपर जो जीएसटी रेट है वो 18% है। एंटरप्राइज करते हैं, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। अब इसके अंदर आप देख सकते हो सेफ में 12 है और बिल्ड के अंदर ये 11 है। अब इसका मतलब क्या होगा, ये हमने एक्चुअल में हमने इसको दिए तो 12 पीस है, लेकिन जो हमने पैसे दिए वो 11 पीसेस के लिए, यानी कि एक प्रोडक्ट हमने एज ए स्कीम के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में हमने इसको गिफ्ट किया हुआ है, और यहाँ पे 60.17, तो 661.87 रुपये। तो आप इसके टैक्सेबल वैल्यू आप देख सकते हो 2198.14 रुपये, और यहाँ पर भी ये 2198.14 रुपये है, और ये हमारी 18% की सेल है। एंटरप्राइज करें, अब जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर अब जो स्टॉक आइटम का जो टोटल था उसके बाद में आ जाएगा, और यह हमें टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। अब हमें सीजीएसटी टैक्स का एक लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो सीजीएसटी टैक्स का जो आपने लेजर सेलेक्ट करना है वो कुछ इस तरीके से लेजर आपको तैयार करना है। सीजीएसटी टैक्स अंडर ग्रुप हमें रखना है इसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में टाइप ऑफ ड्यूटी है वो आपको जीएसटी सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे जो टैक्स का जो टाइप है वो आपको सीजीएसटी ही सिलेक्ट करना है, अगर हम यहाँ पर सीजीएसटी टैक्स का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पर आपको कुछ नहीं देना, और राउंडिंग मेथड है वो आपको एक बार नॉट एप्लीकेबल करना है। एंटर प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करें। इसी तरीके से सेम एसजीएसटी टैक्स का हम लेजर क्रिएट करेंगे। अब एसजीएसटी टैक्स का लेजर हमने क्रिएट किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर जीएसटी सिलेक्ट कर लिया, और टाइप ऑफ इसके अंदर टैक्स के अंदर हमने एसजीएसटी सिलेक्ट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ देख सकते हो मैंने SGST के अंदर इसका शॉर्टकट जो नाम है S दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या बना, अब इसके अंदर हमारी जो टाइपिंग की जो स्पीड है, वर्किंग की जो स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, और जैसे मैं यहाँ पे S सेलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिक SGST का लेजर सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैसे अगर हम देखा जाए तो S के नाम से काफ़ी सारे लेजर है, तो मेरे को एक एक सेलेक्ट करना पड़ता है इसके अंदर, SGST करना है, सेल्स करना है, स्टेशनरी करना है, सैलरी करना है, एस के नाम से बहुत सारे लेजर होंगे, तो मैंने उसका शॉर्टकट नाम दे दिया एस का भी। जैसे मैं एस बटन प्रेस करके एंटर प्रेस करूं तो एसजीटी टैक्स मेरा सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो अब हम टोटल की बात करें तो 2730 रुपये, और यहाँ पर 2731 पैसे, तो ये हमें राउंड ऑफ ऊपर के जो 8 पैसे है वो हमें राउंड ऑफ करने हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउंड ऑफ का लेजर हमने क्रिएट किया है, तो जैसे मैंने राउंड ऑफ का लेजर सिलेक्ट किया तो 8 पैसे ऑटोमेटिक इसने राउंड ऑफ कर। अब ऐसी कंडीशन के अंदर आपको राउंड ऑफ का खाता कैसे बनाना है, मैंने राउंड ऑफ फोन के नाम से बना दिया, ग्रुप मैंने इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखा हुआ है, और यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर इसको अंदर हमें रखना है इनवॉइस राउंडिंग,
यानी कि अगर पैसा कम ज्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिक इसका राउंड ऑफ कर देगा, और राउंडिंग का जो पीरियड है वो हमारा नॉर्मल रहेगा, और राउंडिंग लिमिट हमने एक करनी है, ठीक है। उसके बाद के अंदर हमें कोई जीएसटी से रिलेटेड कोई सेटिंग इसके अंदर नहीं करनी है, और ये हमारा 2731 रुपए का इनवॉइस बन गया। अब बात आएगी प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल। अब आपका जो कस्टमर है वो अगर रजिस्टर्ड है और आपके ऊपर अगर ई इनवॉइस बनाने की अगर लायबिलिटी बनती है आपकी कंपनी के ऊपर, तो आपको ई इनवॉइस भी बनाना मैंडेटरी है। अगर आपका इनवॉइस ये करिए 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू होता तो आपको ई वे बिल भी बनाना पड़ता, लेकिन ई इनवॉइस आपको चाहे आप 1 रुपए का भी सामान बेच रहे हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें सबसे पहले एनक्लोजमेंट नंबर, एनक्लोजमेंट की डेट, IRN नंबर, बिल ऑफ बिल टू पैलेस और शिप टू पैलेस, ये जो इंफॉर्मेशन है हमें सारी ई इनवॉइस से रिलेटेड जो देनी पड़ती है। आप हम चाहें तो डायरेक्ट टैली सॉफ्टवेयर से ये हमारा ऑनलाइन एक तरीके का ई इनवॉइस बनता है पोर्टल पे जाके, जिसके अंदर ये हमारी टोटल है इनवॉइस से रिलेटेड डिटेल जो मेंशन हो जाती है। एंटर प्रेस करेंगे और हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। मैंने आपको बिल्कुल एक तरीके का नॉर्मल इनवॉइस बनाना बताया, कोई टेक्निकल हमने इसे अभी तक कोई यूज नहीं किया। अब ये रसू यू वांट टू ई इनवॉइस, हम इसको एक बार नो करते हैं तो ये हमारा इनवॉइस है जो तैयार हो गया। हम पेज अप करते हैं तो वो हमारा सेल इनवॉइस, अगर आप देखना चाहते हो तो हम इसको वापस डे बुक पे हम चलते हैं, और हमारा जो सेल इनवॉइस था STC001 ये इनवॉइस था। अब हमें इसका प्रिंट प्रू देखना है तो मैं आपको कंट्रोल पी हम बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉन्फ़िगरेशन, प्रीव्यू और प्रिंट। अगर आपने डायरेक्ट प्रिंट देना तो प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे, अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो हम जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और मैं इसको जूम करता हूँ तो कुछ इस तरीके का ये इनवॉइस आएगा। आपकी कंपनी का नाम STC001, यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी और यहाँ पर आपके कस्टमर का डिटेल्स, जो भी हमने कस्टमर का लेजर बनाते वक्त हमने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी, और कुछ इस तरीके का इनवॉइस आ जाएगा। और अब उसके बाद में हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग पे चलते हैं तो यहाँ से हम अलग अलग टाइप का इनवॉइस है जो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यूज आएगा यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट, जैसे हम इसको यस करेंगे, जैसे सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, हमें एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये यस हो जाएगा। हम कंट्रोल ए करेंगे और फिर इसका वापस हम प्रीव्यू देखते हैं तो जैसे हम प्रीव्यू देखेंगे तो अब इसका जो इनवॉइस का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब आपकी कंपनी का जो नाम है वो ऊपर हो चुका है और यहाँ पर कस्टमर का नाम अब यहाँ पर आ गया है, और उसके बाद के अंदर ये हमारी जो स्टॉक आइटम की डिटेल वगैरह थी, जीएसटी की डिटेल वगैरह, वो सारी यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। अब वापस आप इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हो, कॉन्फ़िगरेशन पर हम जाएंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये नो हो जाएगा। उसके बाद में सारी डिटेल्स आ जाएगी, आप कस्टमर के सिग्नेचर चाहते हो, क्वान्टिटी की डिटेल दिखाना चाहते हो, शो रेट, बिल वाई डिटेल अगर आप देखना चाहते हो तो एंटर प्रेस करोगे, एक बार करोगे तो नो, एक बार करोगे तो यस। बैच डिटेल, लोकेशन नेम, अगर ये सारी डिटेल अगर आप शो करना चाहते हो, पार्ट नंबर, एडिशनल डिस्क्रिप्शन, स्टॉक आइटम, एक बार आप सभी को यस करके देख लेना। उसके बाद में जैसे मान लीजिए मैंने सारी डिटेल कर दी, कंट्रोल ए बटन प्रेस करता हूँ, अब प्रीव्यू देखता हूँ तो जैसे जितनी सेटिंग्स हम करते जाएंगे उतनी सेटिंग हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन बिल के अंदर अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज होता रहेगा। बिल रेफरेंस है ये 2731 है, अगर आपको और भी इनवॉइस रहेगा तो आपकी ऑलरेडी अमाउंट के अंदर कितनी ड्यू अमाउंट रही है, पिछला बैलेंस आपका कितना था, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर आ जाएगी। अब आप चाहते हो भी ये जीएसटी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर स्टॉक आइटम के आगे ना दिखे तो आप इस ऑप्शन को भी हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। काफ़ी सारी ये स्टेशनरी डिटेल से रिलेटेड हम पर ऑप्शन आ जाएगी। MSME की डिटेल यहाँ पर आप दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते, आप शो जीएसटी टैक्स रेट, हम इसको नो करते हैं। HSN आप दिखाना चाहते हो, जैसे मैंने एक बार इसको नो कर दिया, अब इसको मैं कंट्रोल ए करता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, एल्ब जूम करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो जो अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी HSN कोड का, GST परसेंटेज का, वो यहाँ से सारे जो हाइड हो चुके हैं, और जैसे हम इसको हम इनेबल करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग कस्टमर को किस टाइप का इनवॉइस आप प्रोवाइड कराते हो तो इसी तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को येस या नो करके हम इसकी सारी सेटिंग है जो कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, उसके बाद में भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपकी पूरी डिटेल के साथ ई वे बिल और ई इनवॉइस आप किस तरीके से बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।